हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शुभदेव मैथी, जुल्फिकर वार्ड हाउस का मैनेजर, जुल्फिकर वार्ड हाउस चैनल का तरफ से करते हैं आप सभी को हार्दिक स्वागत। फिर भी नए इसी वीडियो में एक नया शानदार टॉपिक के साथ। पिछले वीडियो में हम लोग बोले थे कि कॉकटेल का जितने सारे हम लोग एडल्ट बर्ड्स रखा हुआ है उसको नया करके सिरप बनाना है, नया करके लगाना है, मटकी भी लगाना है, नया करके पीने में डालना भी है। सारे डिटेल्स आज बताया जाएगा। और इस वीडियो में आज मेरे को मजबूरी में आने पड़ा क्योंकि जुल्फिकर भाई दूसरे काम पे बहुत बिजी है, आज कलकत्ता गया है दूसरे काम पे, तो इसीलिए मजबूरी में कैमरे के सामने मेरे को आने पड़ा। तो बात ये है कि आज दिखाएंगे आप लोगों को जब कॉकटेल बर्ड्स, कोई भी बर्ड्स तो होता है, हम अभी इसी वीडियो में दिखाएंगे कॉकटेल बर्ड्स को तैयार कैसे करना है, कौन सा दवा पिलाना है, डिवर्मिंग कैसे करना है, कौन सा दवा से डिवर्मिंग किया जाता है, और उसके साथ साथ कौन सा दवा उसको पहले पिलाना चाहिए, कितना करके पिलाना है और कितना दिन तक पिलाना है, उसके बाद में कौन सा दवा पिलाना है और कितना दिन तक पिलाना है, सारे डिटेल सबको दिया जाएगा इसी वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग लाइन पे रहिए, और इसी चैनल में अगर नया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और उसके साथ साथ वीडियो अगर अच्छे लगे तो एक लाइक भी कीजिएगा। तो चलिए देर न करते हुए मेन टॉपिक में हम लोग चलते हैं। तो देखिए, कॉकटेल लगाने के पहले ना, सबसे पहले बहुत सारे लोगों ने फ़ोन करके मेरे को पूछता है कि भाई साहब कॉकटेल का पिंजरा कितना तक कितना हो सकता है, और कितना लंबाई में चौड़ाई में ऊंचाई में कितना होने से उसके लिए सबसे बेहतरीन होता है। देखिए ए वाला पिंजरे में क्या होता है, देखिए ये जावा का सिरप था, पिछले वीडियो में भाई ने भी दिखाया था, बोले भी थे कि ए वाला पिंजरा जावा का सिरप था, ये दो दो करके था। तो इसमें क्या किया, इसके चौड़ाई में है, देखिएगा चौड़ाई में ये 2 फीट का है, और ऊंचाई में इसका 1.5 फीट का, मतलब 20 इंच का ऊंचाई में है, और लंबाई में ना 3 फीट का है। तो इसके लिए ना एक जोड़ी के लिए ये शानदार होता है। एक जोड़ी के अगर मटका या बक्स अगर लगा दे तो इसमें 3 फीट लंबाई में होंगे, ऊंचाई में होंगे 20 इंच या 2 फीट होने से भी अच्छे होता है, और चौड़ाई में कितना है, चौड़ाई में 2 फीट है। तो इसमें एक जोड़ी कॉकटेल के लिए ये चल जाएगा। तो इसमें क्या होता है, फिर दवा कौन सा पिलाना है, ठीक है, सबसे पहले उसका देखने होंगे इसका एज हुए कि नहीं। अगर एज हो जाए, जैसे कि कभी अगर देखिए 10 महीने से तो अंडा दे सकता है, पर शानदार जो होता है, जैसे इंसानों में वो 15-16 साल से भी बच्चा आ सकते हैं, पर सबसे शानदार होता है कि 20 साल से और ऊपर हो, 20 से 35 या 30 तक प्रेगनेंसी टाइम के लिए सही टाइम। तो ऐसे भी होता है, ये अंडा बच्चा करने के लिए अगर 12 महीना से ऊपर हो जाए तब होता है सही मौका, सही वक्त। तो सबसे पहले देखिए, बहुत सारे लोगों ने फोन करके पूछते हैं कि भाई साहब हम लोगों को अंडा दे नहीं रहा है, अगर कोई बोलता है अंडा दे भी दे, अंडा फैटल नहीं होता है, अगर अंडा फैटल भी होकर बच्चा भी निकले वो लंगड़ा बच्चा निकलता है, ऐसे होता है। बहुत सारे लोगों ने फोन करके हम लोगों को पूछा भी है, तो सारे सवाल का जवाब मैं कोशिश करेंगे देने में। सबसे पहले जो होता है कि देखिए, वो होने का बहुत सारे होता है, सबसे पहला जो होता है कि ब्लड लाइन, अगर ब्लड लाइन सही हो तो वो सही से बच्चा अंडा करते रहेंगे, अगर ब्लड लाइन खराब हो वो बहुत सारी दिक्कतों आते रहेंगे और सामना करने भी पड़ता है। तो दूसरी जो बात होता है वो बच्चा से होकर जब ट्रीटमेंट, तो ट्रीटमेंट करने पड़ता है, वो ट्रीटमेंट ध्यान से करना चाहिए और सही तरीके से भी ट्रीटमेंट करना चाहिए, और बच में अगर कमी रहे अंडा बच्चा करते हुए बहुत सारे प्रॉब्लम को सामना करना पड़ता है। तो तीसरा बात क्या होता है कि जैसे कि आपका कैल्शियम का कमी हो, कैल्शियम का कमी की वजह से भी वो लंगड़ा बच्चा निकलता, फटल नहीं होता है, ऐसे होता है। चौथा क्या होता है, डिवर्मिंग कैसे किया जाए, डिवर्मिंग अगर सही से ना कर किया जाए तो डिवर्मिंग भी ऐसे होता है, और भी मजा होता है। अगर एक माई की दो भाई बहन, मतलब दो, एक मेल और एक फीमेल हो, तब भी ऐसे प्रॉब्लम आ सकता है, मैक्सिमम ज़्यादातर होते भी है। चलिए चलते हैं, कौन सा दवा पिलाना है। अगर सबसे पहले अगर उसका एज 12 महीने का ऊपर हो जाए, देखिए ब्रीडिंग प्रोसेस जब चालू करेंगे हम लोग, सबसे पहले ये करना है जो मियोपिप्रिन होता है, ये इट्स ह्यूमन मेडिसिन, ऑल यू विल गेट अवेलेबल ऑन मेडिसिन, ह्यूमन मेडिसिन शॉप, अब ह्यूमन मेडिसिन सब में ये मिल जाएगा नियोपिप्रिन, ये करके 5 ml करके देता है 1 लीटर पानी में,
ये लगातार 2 दिन आप दे सकते हैं। देने में क्या होता है, देखिए कुछ भी आप पिलाते रहे, दवा हो, कुछ खाना हो, कुछ भी फिर उसको डाइजेस्ट करना होता है। डाइजेस्ट करने के लिए जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, वो ह्यूमन हो या कोई भी बर्ड्स हो या कोई भी जानवर हो, उसका स्टोमक का जो प्रॉब्लम होता है ना, बहुत सारे प्रॉब्लम आती है। जैसे स्टोमक का प्रॉब्लम की वजह से भी वो लूज मोशन हो भी बहुत सारे प्रॉब्लम आते रहते हैं। अगर ये न्यूट्रिशन दे दे 2 दिन तो स्टोमक थोड़ा सा मजबूत हो जाता है। होने से क्या होता है, वो कुछ भी खाने से वो हजम या डाइजेस्ट कर सकते हैं। बाकी क्या होता है, वो तो मतलब स्टोमक अगर थोड़ा मजबूत हो जाए, बाकी 1 दिन गैप रख सकते हैं। रखने के बाद ना आप लगातार 4 से 5 दिन आप लीफ 52 यानी वाला लीफ 52 ये 1 लीटर पानी में 5 ml करके मिलाकर लगातार 4 से 5 दिन पिलाइएगा। पिलाने के बाद बीच में 1 दिन गैप रखेंगे, 1 दिन या 2 दिन भी गैप रख सकते हैं, ज़्यादातर बेहतर होते 1 दिन रखने में। 1 दिन गैप रखेंगे, गैप करने के बाद ये वाला दवा, इसको बोलते हैं पाइपरजाइन, यानी पेट में जो कीड़े होता है कीड़े मारने वाले दवा है, पाइपरजाइन से 1 लीटर पानी में 3 ml करके मिलाकर 1 दिन पिलाइएगा। पिलाने के बाद फिर 1 दिन गैप रख सकते हैं। 1 दिन गैप करने के बाद आप लगातार 2 से 3 दिन लिफ्टू पिला लीजिएगा। पिलाने के बाद फिर 1 दिन गैप रखेंगे, गैप करने के बाद फिर पाइपरजाइन को और 1 दिन पिला देने का, वो भी 2.5 ml करके मिलाने का 1 लीटर पानी में मिलाकर जब पिलाइएगा। पिलाने के बाद ना फिर 1 दिन गैप रख देंगे, 1 दिन या 2 दिन गैप रखेंगे। गैप करने के बाद लगातार आप 4 से 5 दिन फिर लिफ्टू पिलाइएगा। लेकिन बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि 2 बार पाइपरजाइन यानी जो कीड़े मारने वाला दवा कहीं के लिए पिलाते हैं। देखिए ये बड़ा है कॉकटेल, बड़ा हो दवा हो या बजिश हो या फिंटेस हो, सारे बार्स के लिए अब एक बार करने से सही हो, पर एक कॉकटेल थोड़ा बड़ा साइज का बार्स होता है, इसीलिए पहले जो टाइम देंगे 3 ml करके दीजिएगा। 1 दिन गैप करके 2 दिन लिफ्ट 2 दिन या 3 दिन लिफ्ट पिलाने के बाद 1 दिन गैप करके फिर और ये वाला दवा, वो भी थोड़ा डोज कमा देने का, क्योंकि 2.5 ml तक दे दीजिएगा 1 लीटर पानी में करके पिलाने के बाद 1 दिन गैप करके लगातार 4 से 5 दिन लिफ्ट पिला दीजिएगा, तो वो सही से हो पाएगा। फिर 1 दिन गैप कर दीजिएगा। गैप करने के बाद आप रिकोबिट दीजिएगा। देखिए रिकोबिट यानी ये वाला रिकोबिट, इसमें क्या होता है, इसमें ना बहुत सारे विटामिन होता है, जिसमें से क्या होता है, विटामिन होने की वजह से एक बर्ड्स का बहुत सारे जो जरूरत होता है, जो सब्सटेंसेस का मतलब जरूरत होता है, उसका जो कमी होता है कमी भरपाई हो जाता है। दूसरे क्या होता है, ये लगातार 4 दिन पिलाइएगा रिकोबिट। ये रिकोबिट के साथ ये वाला रिकोबिट, इसका अगर 5 ml दे, ये कैल्डिसल डीसी हो या कैल्गोफोस हो या ऑस्टोबिट हो, कोई भी कैल्शियम 4 ml करके मिलाइए पिलाइएगा। फिर अगला वीडियो क्या करना है, अगला A to Z एक्सर से ह्यूमन मेडिसिन विल गेट अवेलेबल ऑन ह्यूमन मेडिसिन ऑफ A to Z मेडिसिन जो है, ये भी 5 ml से 6 ml करके पिलाइएगा। उसके साथ साथ कैल्शियम पिलाइएगा, कोई भी विटामिन हो यानी वो रिकोबिड हो, A to Z हो, भाइमराल हो या ये वाला जो बिकोसुल, ये भी ह्यूमन मेडिसिन, ये हो कोई भी विटामिन आप पिलाइएगा, उसके साथ साथ जरूर कैल्शियम पिलाइएगा, क्योंकि अंडाशय करने के लिए सबसे जरूरत होता है कि कैल्शियम के, वो कैल्शियम अगर सही से देते रहे हर एक, वो भाइमराल हो, रेकोबिड हो या एटीजेड हो, बिकोसिल हो, कोई भी विटामिन के साथ अगर देते रहे तो कैल्शियम का कमी भरपाई हो जाता है, वो सही से फैटल भी हो जाए और बच्चा जो निकलता है वो भी अच्छा बच्चा निकलता है। तो फिर भी और एक बार बोल देता है कि पहला डिवर्मिंग कराने का रास्ता क्या है, कि पहला 2 दिन नियोपिप्टिन पिलाइएगा। नियोपिप्टिन पिलाने के बाद 1 दिन या 2 दिन गैप रखेंगे, गैप करने के बाद आप लीफ 52 पिलाइएगा 4 से 5 दिन, फिर 1 दिन या 2 दिन गैप, फिर पाइपरजाइन कीड़े मारने वाला दवा, फिर आपको मिलाने होंगे 1 दिन गैप करने के बाद फिर पिलाना है 2 दिन लीफ 52, फिर 1 दिन गैप करके वाला पाइपरजाइन वो भी 2.5 ml करके मिलाइएगा, फिर 1 दिन गैप करके लगातार 4 से 5 दिन लीफ 52, फिर 2 दिन गैप करके आपको पिलाना है कि आपको रिकोबिट, फिर 4 दिन करने के बाद 1 दिन गैप करने के बाद फिर एटीजेट का, फिर 4 दिन के बाद फिर बीकेसूल 4 दिन, फिर 1 दिन गैप करके आपको
लेकिन अगर हो सके ईवी को ई, अगर हो ईवी को ई, वो बहुत मददगार होता है ब्रेन के लिए और माइंड के लिए। ब्रीडिंग के वक्त बहुत जरूरत होता है विटामिन ई का, जिसमें से विटामिन ई क्या करते हैं, मदद करते हैं हम लोग को मेंटल फ्रेश रखने में। तो इसीलिए ईवी को ई अगर हो सके तो वो भी दो तीन दिन पिला दीजिएगा। पर हाँ, उसके साथ भी एक कैल्शियम आपको मिलाना है, पर कम, जैसे कि कैल्शियम 4 ml करके मिलकर पिलाइएगा। तो ये रहा है हम लोग का प्रोसेस। फिर अगर एक ख़त्म हो जाए, फिर नया करके शुरुआत करना है, रिकोविड हो या कैल्शियम हो या ATZ हो, कोई भी आप करके पिलाते रहिएगा। तो ये तो रहा है कि मेडिसिन या पूरा जो दवा का जो प्रोसेस होता है, जो प्रोसीड्यूर होता है, हम लोग ऐसे ही करते थे कि हम लोग तो उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है नहीं, हम लोग जैसे करते हैं ऐसे आप लोगों के पास रखा है, हम लोगों का एक्सपीरियंस शेयर किया है। बाकी अगर अब इसमें कोई गलती हो जाए तो माफ़ कीजिएगा हम लोगों को, और उसके साथ साथ अगर कोई गलती हो हम लोगों को भी बोलिएगा कि हाँ एक इससे भयदेन होते वो वाला, आप बोलिएगा ज़रूर, हम लोग भी सीखेंगे, हम लोग भी जानेंगे, अगर हो सके तो और भी बेहतरीन कोशिश करेंगे अच्छे से ब्रीडिंग करने के लिए। अगर मैक्सिमम लोगों ने हम लोगों को फ़ोन करते रहते हैं और पूछते भी रहते हैं, हम लोगों भी उन लोगों को भी मदद करते जाएंगे। और एक बात क्या है, बहुत सारे लोगों ने बोलता है कि प्राइस के बारे में, देखिए कुछ भी बार्स आप खरीदे उसमें जो ब्लड लाइन होता है या उसमें जो फीडिंग होता है, फीडिंग का हिसाब से ऐसे ही होता है। जैसे कि हम लोग देखिए, हम लोग हर एक बार्स, जैसे मान के चले कि आप बजीज अपने माइक के पास रहते हैं कितना दिन तक, 15-20 दिन तक रहते हैं। जब वो सेल्फ फीड हो जाता है, सेल्फ फीड होने के बाद उसको हम लोग ला कर यहाँ रखते हैं, या धूप में धूप खिलाना है, विटामिन डी या कुछ कमी हो तो धूप से वो सही हो जाता है। फिर इसमें क्या होता है, अगर इसमें से 1.5 महीने तक यहाँ रहेंगे, फिर उसे वो अंदर वो वाला जगह है वहाँ फिर कॉलोनी में रखता है, फिर उसके लिए अलग से ट्रीटमेंट होता है। ऐसे एज का हिसाब से हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, इसीलिए वो बेहतरीन काम करता है फ्यूचर में। तो इसीलिए आप कहीं से भी मतलब खरीदे, आपको देखना होता है ब्लड लाइन का, ब्लड लाइन अगर सही हो, और बचपन से मैंने पहले भी बताया आपको, अगर बचपन से अगर ट्रीटमेंट सही से हो जाए वो मतलब बड़े होकर हुए भी जब ब्रीडिंग करते वक्त भी वो सही से ब्रीड कर पाते हैं और सही तरीके से रिजल्ट भी आता है। तो चलिए देर ना करते हुए आज का वीडियो यही ख़त्म करेंगे। ख़त्म करने से पहले आप लोगों को रिक्वेस्ट करेंगे, अगर किसी से बर्ड्स खरीदना है या बर्ड्स के बारे में अगर कुछ जानकारी चाहिए तो ज़रूर आप 2 नंबर जो दिया हुआ है आप इसमें भी कॉल कर सकते हैं, ये वाला भाई के पास रहते हैं, और ज़्यादातर इसी में कॉल कीजिएगा कि ये मेरे पास रहते हैं। आप बहुत सारे लोगों ने बोलता है कि देखिए आप दिल के बैठे का जो मैनेजर है, और जब बहुत सारे फिकर भी होता है बट सही से आएंगे कि नहीं, अगर ऑर्डर करें। देखिए बात क्या है ना, आपको आप कहीं से भी हो दोनों बात याद रखने होंगे। पहला बात, आप पेमेंट करने के पहले आप कॉल करके जुल्फिकर भाई को या मेरे को आप फोन करके या वीडियो कॉल करके मेरे को देख लीजिएगा। और सबसे बड़ा बात जो होता है, इस नंबर से बात करते कि नहीं, ये वाला नंबर से बात करते कि नहीं, लेकिन अगर व्हाट्सएप में अगर इसी नंबर में कीजिएगा, क्योंकि ये मेरे पास रहता है, आप ज़्यादातर अगर ठीक से फीडबैक पाना है मेरे को फ़ोन कीजिएगा, क्योंकि भाई बहुत बिजी होता है, भाई से बात बहुत में नहीं पाता है। आप मेरे को फ़ोन कीजिएगा या व्हाट्सएप कीजिएगा, अगर फ़ोन करते हुए भी अगर बात हो ना सका तो व्हाट्सएप में कुछ बोल कर रखिएगा, जैसे कि आप कहाँ से हो, आपको कौन सा बर्ड्स का बारे में जानकारी चाहिए, कौन सा बर्ड्स लेना है। तो अगर वो वर्ड्स में बोल दे, थोड़ा देर होते हुए भी मैं सारे सवाल का जितना हो सके हम जवाब दे देते हैं। तो पेमेंट करने के पहले अगर हम दोनों को देख ले, मेरे को या भाई को अगर देख ले, तो स्कैमिंग का कोई डर नहीं आएंगे, तो आप खुशी खुशी आपका पास, अगर हम लोगों का पास पैसा है वो खुशी खुशी आपका पास वो वापस आपको माल पहुंच जाएगा ठीक से। और दूसरी बात जो होता है, हम लोग कलकत्ता का बहुत सारे स्टेशन है, कलकत्ता स्टेशन है आपका, सांद्रेगाछी है, सियालदह भी है, हाँ, और आपका जो शालीमार है वो भी होता है, पर उसी किसी भी स्टेशन से बुक नहीं होता है, बुक होता है सिर्फ और सिर्फ हावड़ा स्टेशन से। आपको देखने होंगे आप कलकत्ता जो हावड़ा है, हावड़ा से कोई ट्रेन जाते कि नहीं, और जाने से फिर नहीं होंगे, 2 मिनट में रुकने वाला जो स्टेशन है, स्टेशन पे इंसान तो उतर सकता है, उस लगेज या सामान उतरने में कम से कम 5 मिनट का जरूरत होता है, इसीलिए 5 मिनट रुकने वाला स्टेशन में सिर्फ और सिर्फ वही बुक होता है। अगर आपका पास में कोई कलकत्ता हावड़ा से थ्रू ट्रेन ना जाए, अगर भाया होकर जाने पड़े तब खर्चा ज़्यादा होता है। थ्रू ट्रेन के लिए हम लोग डिलीवरी चार्ज लेते हैं 1500 रुपये, और
अगर भाया होते हुए जाए तब ऐसे 2200-2500 क्वांटिटी का हिसाब से होता है, ऐसे खर्चा अगर हो जाए तो आपको पहुंच जाएगा माल। आप जो कश्मीर का जो जम्मू का जो 23 स्टेशन है, 23 स्टेशन में भी चल जाता है हम लोग का 1500 रुपये डिलीवरी चार्ज लगता है। बेंगलोर भी चल जाता है वो भी 1500 रुपये डिलीवरी चार्ज लगता है। डिब्रूगढ़ भी पहुँच जाता है वो भी 1500 रुपये डिलीवरी चार्ज में हो जाता है। तो जैसे कि और भाया होते हुए जाए तब खर्चा जो ज़्यादा लगता है। चलिए देर न करते हुए आज का वीडियो यही खत्म करते हैं। वीडियो खत्म करने से पहले हम लोग हार्दिक विनती करते हैं कि जिन लोगों ने हम लोग इसी चैनल में नया है और उनके साथ साथ जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया करके सब्सक्राइब कीजिएगा और उसके साथ साथ वीडियो को अच्छे लगे तो एक लाइक भी कीजिएगा। उसके साथ साथ ये वीडियो अपने जान पहचान वाले को भी शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना अपना परिवार के साथ सही सलामत रहिएगा। टेक केयर। जय हिंद।